धन्यवाद और अभिनंदन। मैं अनुराधा शारदा आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर जुड़े हैं सर के साथ, चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। सर बहुत बहुत नमस्ते। अभिनंदन। सर सर आज हमें एक बहुत सुंदर चर कारक के बारे में बहुत सुंदर एक लिपि या पद्धति बताने वाले हैं जैमिनी सूत्रों की, जहां हमें यह मालूम पड़ता है कि चर कारक यदि किस नवांश में आते हैं, किस राशि में आते हैं, उससे हमारे बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमारे जीवन में क्या पीड़ा आ सकती है, उसके बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है। लेकिन इससे पहले जाने कि सर का अपना खुद का एक चैनल है, उनका वेबसाइट है जहां आप बहुत कुछ उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं और उनके चैनल पे बहुत सारी उनकी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए फिर एक बार। नमस्ते। सर तो ये जैमिनी सूत्र जो हम पढ़ते आ रहे हैं सर, इससे नवांश का एक बहुत सुंदर आपने जो आप बता रहे हैं सर, उससे नवांश से हमें कैसे बहुत कुछ मालूम पड़ता है ये? देखिए ऐसा, ये जो अभी ये द्वितीय पद चालू होगा उसकी शुरुआत ही है, अथ स्वांशो ग्रहाणाम, है ना, यहाँ से उसकी शुरुआत करते हैं। इसका मतलब अब हम स्वांश के बारे में और ग्रहों के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। जी सर। अब यहाँ प्रश्न यह था कि ये स्वांश क्या चक्कर है और ये कारकांश क्या है, क्योंकि दोनों भी शब्द आते हैं, खासकर जब आप इतर ग्रंथ भी पढ़ते हो तो कभी कारकांश कहा जाता है, कभी स्वांश कहा जाता है। तो सीताराम झा जी ने अच्छी उसकी व्याख्या की है। तो वो कहते हैं कि स्वांश उसे कहा जाता है जहां चर कारक जिस नवमांश राशि में हो उसे हम स्वांश कहते हैं, जी है ना। तो क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से उसको सोचते हैं। वो बोलते हैं स्वस्य आत्मकारकस्य अंशो नवांशो ग्रहणाम। तो जो आत्मकारक का अंश होगा उस, वो जहां है, वो जो नवांश की जो राशि है उसी को कहा जाता है स्वांश। कारक अंश जो है वो बहुत सुस्पष्ट है कि वो किसी और चीज को कहा जाता है। तो कुछ का कहना है कि कुछ तो ये मानते हैं कि कारक अंश और स्वांश एक है, हालांकि मुझे ये व्याख्या ज्यादा सटीक लगती है। कुछ का मानना ऐसा है कि चर कारक, चर आत्मकारक की बात कर रहे हैं हम, जिस नवांश राशि में बैठा होगा वो नवांश राशि को लग्न कुंडली में ले जाना और उसे कारकांश समझना, वो गलत भी नहीं, क्योंकि निधनांश युक्त और सप्तमांश युक्त आदि ऐसा कहा जाता है जब वो नवांश राशि कहीं किसी भाव में जाके बैठती है, जिसे हम नवांश तुल्य राशि बोलते हैं, और राशि तुल्य नवांश ये दो संकल्पनाएं हैं। हाँ। तो उसको कहा जाता है, तो मुझे लगता है वो सही है। कुछ लोगों का कहना नहीं ऐसा नहीं है, जो चरा आत्मकारक है लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठे उसी को कारकांश कहा जाता है। तो ऐसे तीन मतलब है। पर ये जो व्याख्या है जिसके बारे में अभी बताया जा रहा है, ये स्वांश के बारे में बताया जा रहा है, तो ये स्वांश क्या है? तो आत्मकारक जिस नवांश राशि में रहेगी उस राशि को आपको समझना है, यानी हमें ये देखना है नवांश कुंडली में। ये तो हमें पहले समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आत्मकारक का नवांश कुंडली का स्थान या जो राशि है उसी को हम देख रहे हैं, नहीं तो और आत्मकारक नवांश को देख रहे हैं। हाँ, तो नवांश को देखेंगे और वहां देखेंगे आत्मकारक का पोजीशन, वो कौन से राशि में बैठा है, नवांश राशि में उसको हम देखेंगे जी, है ना जी। इतना तो सही हो। अब इसमें क्या होता है कि ये नैसर्गिक है, ये 12 राशियों में बैठेगा, क्योंकि आखिर में नवांश भी तो 12 ही रहते हैं जी, है ना। तो केवल चर आत्मकारक किसी नवांश राशि में बैठने से क्या होता है, इसके बारे में आचार्य हमें बता रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है पंचभूष का मार जा रहा नाम के सूत्र से। तो पंच का मतलब एक, कटपयादि का जो गूढ़ लिपि है आप समझिए, तो उसको जब हम उसको हम उसको खोलते हैं, उसका मतलब गूढ़ार्थ निकालने को देखते हैं, तो कटपयादि पद्धति से उसका मतलब एक होता है, पंच का मतलब। मूषिक का मार जा रहा है, हिंदी भाषियों को बताने की जरूरत नहीं, मूषिक का मतलब चूहा और मार जा रहा का मतलब बिल्ली,
या बिल्ला, जो भी आप समझो, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिंग भेद नहीं किया जाता है। जब हम पुत्र कारक बोलते हैं उसमें पुत्री भी आती है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है लोगों की, ऐसा वो क्या पुन सवाना करके एक हमारा रिचुअल रहता है, एक क्रिया रहती है, कर्म रहता है, है ना। तो षोडश जो षोडश कर्म है उसमें क्या, हाँ, एक है, हाँ। वो कोई केवल वो पुत्र होगा इसके लिए थोड़ी किया जाता है, उसमें सब कुछ आता है। इसे तो पहले बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए ज्योतिषों ने, जब तक कि वो स्त्री का खासकर अलग उल्लेख न करे। हाँ। यदि वो स्त्री जातक का चार्ट है तो उसके लिए होगा, यदि वो पुरुष जातक का है तो उसको अप्लीकेबल। तो ये मूषिक मार्जारा का मतलब 90% या शायद काफी जो टीकाकार है इसके, क्योंकि ये सूत्रों की टीका करनी पड़ती है, ये समझने को बोलने को तो बहुत आसान है। असंदिग्धम अल्पाक्षरम आदि बोला जा गया है, पर वो असंदिग्ध तो है, पर वो उसके लिए है जो सूत्र का ज्ञानकार है। तो हम तो साधारण मनुष्य था, उसको जरा थोड़ा सोचना चाहिए। तो टीका बहुत लिखी गई है, तो टीकाकारों का कहना ऐसा है कि जिसका चर आत्मकारक मेष नवमांश में बैठे उसको बिल्लियों से और चूहों से तकलीफ होती है। बहुत सुंदर, यहाँ तक तो ठीक है, पर जब हम आगे जाएंगे तो हमें कुछ गड़बड़ दिखेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तभी होगा जब उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, हाँ। वरना उसी जरिए उसको फायदा होगा, हाँ। ये मेरा मानना है, ये गलत भी हो सकता है, परंतु आप विचार करेंगे तो आगे जाके कहीं और इसका संदर्भ मिलेगा। ये सूत्र है, सूत्रों में एक सुसूत्र विचार करने की पद्धति रहती है, है ना। तो क्योंकि फिर दूसरा जो सूत्र आता है, हमने ये तो समझ लिए जब मारदार से क्या फायदा होगा। कोई लोग बिल्ली बेचने का भी व्यवसाय करते हैं, कोई बिल्ली का खाना भी बेचते हैं, है ना। चूहों को हम अस्पताल में उसका प्रयोग करते हैं, उनपे अलग अलग दवाइयां का प्रयोग करके फिर वो इंसान के लिए सही है या नहीं है इसके लिए करते हैं। हम यदि चीन में गए तो लोग चूहे खाते भी हैं, है ना। बेचने वाले तो उनसे फायदा भी कमाते हैं, तो ऐसा जरूर है। और हम ये सोचे कि 12 ही नवांश है, तो चर आत्मकारक किसी की ना किसी नवांश में तो रह गए, है ना। तो 1/12 लोगों को क्या 1/12 लोगों का एक स्टैटिस्टिक्स हम जिसको बोलते हैं गणित शास्त्र से हम यदि देखें तो 1/12 लोगों को तो चूहे ने और बिल्ली ने तकलीफ देना ऐसा तो दिखाई नहीं देता, है ना। तो इसलिए मुझे मेरा जो न्याय है, न्याय का क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लॉजिक बोलते हैं, न्याय यानी कानून नहीं, तर्क संगत तर्क, ऐसा मैं लगाता हूँ कि इसका मतलब ये है कि यदि इस पर शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, वो नैसर्गिक नवांश में हम देख रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने सिद्धम अन्यथा कहा है। आप मेरे मत से ग्रह दृष्टि भी देख सकते हैं, परंतु नवांश में चूंकि एक ही नवांश में रहने वाले ग्रह वो 180 अंश भी दूर रह सकते हैं, वो 30 अंश भी दूर रह सकते हैं, और ग्रह दृष्टि का जो वर्णन किया गया उसका जो आधार दिया है पाराशर और अन्य सिद्धों ने, तो वो कितने अंश दूरी है उस पे दिया है, तो नवांश में ये होता नहीं है। तो वहां तो मेरे जो समझ है उसके हिसाब से राशि दृष्टि ही देखना चाहिए। सर एक और चीज, एक और बात बहुत सुंदर मेरे दिमाग में है कि ऐसे लोग तो यदि इनको फायदा होना है तो ये तो जानवरों के डॉक्टर भी हो सकते हैं जो, हाँ, ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये खासकर चूहों के, या मैं तो बोला ना डॉक्टर्स को तो वैसे भी चूहे पालना पड़ता है, और बिल्ली के बिल्ली पे स्पेशलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दवाइयां बनाने वाले अनेक लोगों को उनसे फायदा होता है। हम एक ऐसा सोचते है कि भाई, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टीकाकरण ने बोला है वो विद्वान है, इसमें कोई शंका नहीं है, मेरा तो ज्ञान उससे नगण्य है, फिर भी ज्योतिष में ऐसा बोला है कि मतभेदे मुनि नाम तू ज्योतिष वैद्य तथा, ऐसा कहा है कि वैद्य में और ज्योतिष में यदि मुनियों के मत में भेद है तो इसमें जो हमें फल देता है अच्छा उसी को ग्राह्य मानना चाहिए। तो मैं इसका पक्षधर हूँ, तो कोई उसको, मैं कोई टीकाकरण पर टीका नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने दूसरे जगह कुछ बहुत इतने गुण अर्थ निकाले हैं जो निकालने की क्षमता मेरे भी नहीं है, तो उसमें कोई बात नहीं है। या उन्होंने जो लिखा है वो हम समझने में गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्होंने आगे में जो लिखा है काफी बाद में तीसरे चौथे चरण में उसका हम ध्यान रखते नहीं, ये सूत्र है,
यहाँ सुसूत्रता हर वक्त रहती। तो दूसरा जो राशि आती है वो है वृषभ, तत्र का मतलब दो, कटपयादि में र और त करके आपको उल्टा करना, फिर 12 से उसको विभाजित करना वगैरह वगैरह, तो आपको मालूम है सब। तो चतुष्पाद, तो आप बैल और चतुष्पाद तो समझते ही हैं हमें, है ना, परंतु यहाँ चतुष्पाद का मतलब गाय, भैंसे, बैल, सांड, हाथी, घोड़े, ये सब होंगे। हाँ। अच्छा, टीकाकारों ने इससे फायदा होता ऐसा लिखा है, तो यहाँ सुसूत्रता खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा बोला गया है कि यदि वहां पर प्रभाव, दृष्टि को मैं प्रभाव मानता हूँ, यदि पाप ग्रह का होगा तो उससे दुख प्राप्त होगा, और शुभ ग्रह से होगा तो उसी से सुख प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि घोड़े के लात मारने से या घोड़े ने गिरा देने से भी दुख भी होता है लोगों को, ऐसा नहीं कि हर वक्त सुख होता है। गाय भी कभी सिंग विंग मार देती है, भैंस तो लात तो गाय मारती है, भैंस नहीं मारती, भैंस सिंग मारती है पर मार सकती है, हाथी कुचल भी दे सकता है, और हम हाथी पे सवारी करके सुख भी ले सकते हैं राजा बन के, है ना, राजा तो नहीं चलो महौत बन के ले लेंगे, है ना, आजकल के जमाने में। तो ये मैं इसलिए अभी विस्तार से बोल रहा हूँ कि आगे के इसमें मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, कभी बोल भी दूंगा तो उम्र का ये तकाजा है कि कभी कभी ज्यादा उम्र हुई तो आदमी दो दो बार एक ही बात बोलता है, ये याद दिला देना कि आप फिर से ये बोल रहे हैं करके। तो बेटा बाद में आता है मृत्यु कंडु स्थौलंच, ये मिथुन राशि है। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, यानी संस्कृत शब्दों को सूत्रों के अल्प अक्षर में बोलने के बाद भी कुछ बहुत जबरदस्त चीजें निकलेगी जब हम बात करेंगे, या मैं जैसा सोचता हूँ, मैं उनको उस ढंग से देखता हूँ, तो उसमें आनंद आता है। तो वो कहते हैं कि मिथुन राशि में यदि चरा आत्मकर्म को नौमांश में, मिथुन नौमांश में, मिथुन राशि यानी नौमांश राशि, ओरिजिनल राशि नहीं, यानी लग्न कुंडली की नहीं, नौमांश कुंडली, तो उसे खुजली, दाद आदि रोग होते हैं, कंडू का मतलब खुजली, दाद, एक्जिमा जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार के, इसका मतलब चर्म रोग हम समझ लेंगे जी, और स्थौल्यम च, ये थोड़े मोटे भी होते हैं, ऐसा बोला गया है। अब देखो ये जो राशि है ना, इसका जो अधिपति है बुध, ये बुध है, इसका त्वगेंद्रिय पे अधिकार है, और वो त्रिदोष युक्त होने से उसकी बीमारियां आसानी से जाती नहीं है, और आप लोग सब विद्वान हो, जब देखोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि चर्म रोग जो है ये आसानी से काबू में नहीं आते, और यहाँ वो कंडू की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसा चतुष्पाद की बात किए तो वो वृषभ है ना, और वृषभ तो हम ऐसा मानते हैं भगवान शिव जी के सामने भी बैठता है, उसकी बड़ी पूजा करते हैं, उसको महान माना जाता है, इसलिए उससे सुख प्रदान होता है ऐसा कहा गया है। मूषिक और मार्जा राखे जी बात है, तो ये है मेष नौमांश। अब मेष ये भेड़ है, ये भेड़ किसी को भी जाके मारता है, शायद उस कारण से उन्होंने सोचा होगा कि ये दुख पहुंचाएगा। तो मैं जो बोल रहा था कि टीकाकरों का ऐसा मानना मेरा अलग है, पर उन्होंने भी बोला तो उसको कुछ ना कुछ तर्कसंगत ही बोला होगा, ये कारण हो सकता है। क्योंकि मेरा जो मत है वो वैसा ही है कि पाप ग्रह देखेंगे तो पाप फल मिलेंगे, शुभ ग्रह देखेंगे तो कम से कम ना शुभ मिले तो पाप फल जरूर नहीं प्राप्त होंगे। तो अब हम जाते हैं चौथी राशि, कर्क राशि है। दूरे जल कुष्ठादि, यानी कर्क नवमांश में यदि चरा आत्म कर्क विराजमान हो तो जल कुष्ठ होता है। अब इसके दो अर्थ है, इसमें ये भी हम समझ सकते कि जल से दुख होता है, ये भी तर्कसंगत तो है, क्योंकि वो राशि जो है ये जलचर चंद्र की है, जिसका पिता समुद्र कहा गया है, लक्ष्मी के साथ वो भी ऊपर आए है ना, तो पानी से तो उनका गहरा नाता है ही जी। ये या जल कुष्ठ हम यदि एक समझे तो कुष्ठ रोग में कई बार उसमें पस या पानी हो जाता है जी। ये जरूरी नहीं कि ये महारोग ही होगा, वो किसी प्रकार का कुष्ठ हो सकता है, कभी ल्यूकोडर्मा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी हो सकता है, तो उसके अलग अलग प्रकार है, आगे आएंगे, तो उसमें पानी भर जाता है। तो वो बोलते हैं कि यदि वहां पर होगा कर्क नवांश में यदि आत्मकारक होंगे तो इस प्रकार की बीमारी आती, या इसकी इलाज करने वाले हो जाएंगे वो, उस पर यदि शुभ दृष्टि होगी तो, है ना, तो इसे कभी ख्याल मत, उसको भूलना नहीं कभी,
कि जहाँ हम ऋण तरफ देखते हैं तो धन भी हो सकता है, तो शुभ है या पाप प्रभाव है इसी से होगा, वो काफी सूत्रों में आगे दिखेगा आपको, है ना, शुभ दृष्टि तन्निवृत्ति वगैरह आएगा। तो ऐसा नहीं कि बोला नहीं या मैं हवा से देख रहा हूँ, मैंने भी कुछ तर्क लगाया है पर जरा अटपटा लगाया है। तो फिर बोलते हैं पांचवा जो राशि है जो सिंह राशि है, तो शेषाहा श्वापदानी, तो शेषाहा का मतलब पांच और श्वापदानी, देखिए हम सिंह को श्वापद ही तो समझते हैं जी, है ना। अब इसमें मेरा जो मानना है कि इसमें केवल सिंह नहीं आएगा, सभी प्राणी जो जंगल में तो रहते हैं और जो जंगल के समान हमारा व्यवहार भी कर सकते हैं, इसमें कुत्ते भी आ सकते हैं। कुत्ते भी काटते हैं, कुत्ते भी शिकार करते हैं, शिकारी कुत्ते नाम का यदि किसी ने सुना होगा, शायद खासकर जो देहातों में रहते उन्होंने जरूर सुना होगा, तो शिकार करने वाले कुत्ते भी रहते हैं, उनको भी श्वापद कह सकते हैं। हाँ। तो इनसे फायदा भी हो सकता है, इनसे नुकसान भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर से वही, यदि शुभ ग्रह रहे तो वो शुभ फल देंगे और पाप ग्रह होंगे तो नैसर्गिक पाप फल देंगे। सिंह है राजा की राशि है ना, तो राजा का एक खेल इन श्वापदों की शिकार करना भी होता है। तो इनका हम जैसा संबंध जोड़ते जाएंगे कि उसे मैं बोलता हूँ ये प्रतीकात्मक है कि सिंह का कोई ऐसा, सिंह का वो निकालते हैं तारे जो लोग सिंह बताते हैं, पर वो तारे एक्चुअली जुड़ेंगे तो सिंह नहीं दिखेगा आपको, इसे ध्यान में रखिए। तो उन्होंने उसके जरिए हमें कुछ बताने की कोशिश की। एग्जैक्टली जैसा हम मैं रोज बोलता हूँ कि रामचंद्र तो काले थे ऐसा बोला जाता है, पर उनको गोरा दिखाया जाता है, और कृष्ण भगवान काले थे, कृष्ण का मतलब ही काले, तो उनको हम नीला बता देते, क्योंकि ये हमारी भावना, उसमें से हमें समझता है। हम वो पुण्यमान, किसी को भी तकलीफ न देना, ये सफेद रंग से हम उसे जोड़ते हैं, शुभ्र को हम अच्छा मानते हैं, इसलिए प्रभु रामचंद्र को शुभ्र बताया गया है ना। ऐसा कुछ कारण है, तो वही हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी हमारे विद्वानों ने उसका प्रयोग किया है। अब आएगी छठवीं राशि, मृत्युवत जाया अग्नि कणश्च। मृत्यु का मतलब तीन, ये आप समझ ही गए होंगे, पहले हमने देखा है मृत्यु है ना, कंडू, हम मिथुन के बारे में जब देखे हैं, तो मृत्युवत इसके भी कुछ परिणाम तो वैसे रहेंगे, यानी उसको खुजली उजली की बीमारियां रहेंगी और उसको स्थौल्य रहेगा, वो स्थूल होगा। स्थूल का मतलब जरूरी कि वह बहुत ज्यादा मोटा पा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मोटा तो रहेगा ही रहेगा, है ना, परंतु फिर ये कब रहेगा, ये कन्या लग्न होने पे या मिथुन लग्न होने पे जरूरी नहीं है, ये यदि चर आत्मकारक कन्या नवांश राशि में बैठा होगा तो होगा। और अग्निकणश, इसे अग्निकणों के वजह से यानी आग के वजह से इसको बाधा भी हो सकती है, हमने जैसा पहले भी देखा कि उससे वो फायदा भी कमा सकता है, वो यदि समझो अच्छा बल्लवाचार्य है तो वो होटल बनाएगा, है ना, या कभी हम वो आर्मी का होगा तो वो फायर आर्म से, फायर आर्म बोलते हैं, है ना, जिससे आग बलती है, बंदूक है या रॉकेट्स है, इससे वो फायदा भी कमा सकता है, या तो वो खुद होगा या वो उसको इजाद करेगा। और सर वो अच्छी गृहिणी होगी जो खाना बहुत बढ़िया बनाती होगी, है ना, तो देख लो किसी का होगा वहां पर चर आत्मकारक, तो चेक कर लेना कि उस पे यदि शुभ प्रभाव हम खाना कैसा बनाते हैं, तो शायद हम सभी सीखेंगे उसमें से, कि क्योंकि तर्क को हमें आगे बढ़ाते जाना चाहिए। सर तो मेटलर्जिस्ट भी बन सकते हैं, यानी कि मेटलर्जिस्ट भी बन सकते हैं, ऐसा भी अग्निकण का संबंध भौम से आता है, मंगल से आता है। हाँ। और मंगल का एक काम मेटलर्जी है। हाँ। तो वो धातु पे उसका काम है, वो उसको कौंता युद्ध बोलते हैं, आगे आएगा वो, जब हम ये ग्रह आत्मकारक के साथ इस नवांश में बैठे होंगे, नवांश में तो क्या होगा उसका, हम ये अगले वक्त हम उसको देखेंगे, तब आपको उसका संदर्भ समझ में आना चाहिए। तो सर मतलब कि यदि नवांश में यदि आत्मकारक यदि कन्या में बैठा है, कन्या नवांश में बैठा है, सही बात है, तो वो मेटलर्जिस्ट बन सकते हैं, तो अच्छी गृहिणी जो कोई भी अच्छा, और उसपे यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है
प्रभाव है, तो वो उसे अच्छा मैं पाक शास्त्र, चाहे वो आजकल कोई पाकशास्त्र भी, बोल रहा हूँ, बल्लभाचार्य बोल ही रहा था मैं, तो कोई भी वो बन कभी सकते संस्कृत भी हैं। बीच में आ जाता है, तो आचार्य वगैरह बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे तो और हाँ सर मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स कर सकते हैं कि, हाँ बिल्कुल, गन गन पाउडर एक्सप्लोजिव्स बहुत सुंदर। हाँ सब ये अग्निकण है, और इन्हें से इजा भी होती है। हाँ आपने वो सुना होगा कभी, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम फट गए, लोग उनको तकलीफ हो गई, क्षति पहुंच गई, है ना। तो अब हम जाएंगे सातवीं राशि की तरफ, यानी सातवें नवमांश की तरफ। तुला हाँ नवमांश, लाभे का मतलब सात बोलने की बार बार जरूरत है, इसीलिए मैंने वो ये जो हमारा क्या बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वो स्लाइड है, उसमें वो लाभे के सामने सात लिख दिया है ताकि वो समझ लिख में आ जाए, है दिया। ना। वाणिज्यम, वणिक का मतलब जो कोई व्यापार करता है, और उसका देखो जो उसका प्रतीक है तुला का, तुला राशि का, ये वो तराजू ही है, और तराजू किसके हाथ में रहता है, तो व्यापारी के हाथ में रहता है। देखिए उन्होंने इतना खूबसूरत उसमें से उन्होंने वो प्रतीक को इसके साथ जोड़ के उसका अर्थ निकाला है, इसीलिए सूत्रकारों को बहुत विद्वान माना जाता है, इसलिए व्याकरण में भी पाणिनि का स्थान जरा ऊपर बताया जाता है, उनको सूत्रकार कहा जाता है, जी पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं जी ना। वो तीन बड़े जो विद्वान है, वार्तिककार, भाष्यकार और क्या बोलते हैं वो सूत्रकार, तो ये तीन बहुत महान है, ऐसा एक श्लोक है, तो उसमें पाणिनि की जगह जरा ज्यादा बताते क्योंकि वो सूत्रकार है ना। सूत्र में बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है क्योंकि बहुत कम शब्दों में आपको बहुत सारा बताना, जी तो आसान थोड़ी है, मैं इतना लंबा बताते जा रहा हूँ तो मेरे में वो क्षमता ही नहीं है मैं कम शब्दों में बताऊँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल सूत्रकारों का बहुत आदर करता हूँ और उनके टीकाकारों का उससे भी ज्यादा आदर करता हूँ। तो लाभे वाणिज्यम ये तो बहुत आसान है समझने को। बाद में आता है वृश्चिक राशि, अत्र का अर्थ आठ है, कटपयादि में जल सरीसृपाहा, इसके बहुत सारे अर्थ रहते हैं। सरीसृप का अर्थ जो भी प्राणी आड़ा टेढ़ा चले उसको सरीसृप कहते हैं, और जल में यदि चलने वाला तो उसको जल सरीसृपो कहते हाँ हैं। तो ये जल में रहने वाले, देखिए ये भी जो राशि है वृश्चिक राशि, ये भी जल राशि मानी गई है, हाँ परंतु ये अर्ध जल राशि भी मानते हैं, तो हाँ इसमें से जो प्राणी है ना, ये कभी जल में रहते हैं कभी जमीन में आ अलग। जाते हैं, हाँ तो इसमें मगरमच्छ भी आती है, जलीय सांप भी रहते हैं और बिच्छू भी रहते हैं, है ना। तो वो बराबर उन्होंने उसका उसका अर्थ निकाला कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ यदि चरा आत्म कर बैठ जाए तो इसके जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना इसके साथ में जुड़ी होगी, क्योंकि चरा आत्म कर आत्मबल का प्रतीक जी है ना। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या महर्षि ने दिमाग लगाया होगा और क्या सूत्र की रचना की होगी। और स्तन्य हानिश्च, स्तन्य का मतलब दूध, स्तन का मतलब तो सबको मालूम है, और स्तन्य का मतलब स्तन से जो निकलता है वो दूध निकलता है, तो इसको माता का दूध कई बार नसीब नहीं होता, ये उसका अर्थ है। क्योंकि ऐसा तो वो गाय का दूध पिएगा वो भी स्तन से निकलता है, पर यहाँ पर जब हम स्तन्य बोलते हैं संस्कृत में तो वो सदा माता का दूध रहता है, दाई का नहीं, वो दाई का दूध मिलेगा उसको जिंदा रहेगा, जब उसका आप उसकी राशि चक्र का आप विश्लेषण कर रहे होंगे तो जिंदा तो होगा, तभी तो आपके पास आएगा और राशि चक्र दिखाएगा, परंतु तो जी उसको माता का दूध मिलता नहीं है, हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में मिले, हो जी सकता है कि वो मिल्क में कुछ न कुछ, यानी वो दूध में कुछ न कुछ इन्फेक्शन हो, क्योंकि यहाँ जल सरीसृप बोला है। देखो ये भी जलीय चीजें ही निकलती है स्तन से, जो निकलती है जो बच्चा जी पीता है कई बार उनको इन्फेक्शन हो जाता है, माताओं को उसको मैस्टाइटिस वगैरह जब हो जाता है तो वो दूध थोड़ा विषैला हो जाता है, शायद ये इसके तरफ इशारा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि उसकी माता गुजर जाए इसलिए दूध ना पिए, तो जो माता है उनको मालूम है, ज्यादा मैं इस विषय पे बोलता नहीं हूँ, परंतु ये मालूम ज्योतिष को, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनाटॉमी, ये मालूम होना चाहिए, और ये क्या कह रहे हैं इसका हम अर्थ भी, देखो जल सरसूप के साथ ही उसको लिया है उन्होंने जी स्तन्यहानिश्च। सर, तो तो ऐसे व्यक्ति क्या यदि इस पे अच्छा प्रभाव पड़े, इस हाँ, तो नवांश ये पर? बात है कि वो उसको माता ज्यादा देर दूध पिलाए,
या उसके माता का दूध अमृत के समान हो उसके लिए। सर ये भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को दूध का बिजनेस करने से लाभ मिले मिले या हो डेयरी सकता है फार्म खोले। बिल्कुल, ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, स्तन्य से इसको हानि नहीं होगी। हाँ और उसी प्रकार ये जो देखो वो इंस्टीट्यूट स्नेक वेनम के जो रहते हैं ना, वो सांपों से पैसे कमाते हैं। हाँ तो हम या मगरमच्छ के छाल से वो करोड़पति जो महिलाएं हैं वो उसकी बैग लेके घूमती है, उसके क्रोकोडाइल आजकल बैंड है। हाँ तो वो फैन है उसकी, वो फैन है आजकल, तो वो ये एनिमल एक्टिविज्म की वजह से थोड़ा सा उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, परंतु हाँ। वो बड़ा महंगा माना जाता है ना। तो हाँ हाँ तो बिल्कुल सही बात बोली आपने कि उसके जो भी चीजें हैं उससे उसको लाभ भी हो सकता है जी। हो सकता है कि वो बचपन में उसकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई हो क्योंकि उसके माता का दूध इतना पौष्टिक हो कि उसे अच्छा मिला हो क्योंकि वहां पे शुभ ग्रह देख रहे हैं, है ना, ये मेरा मानना। डेवलप हो गई है इम्यूनिटी डेवलप। हाँ तो अब फिर हम आगे जाएंगे उसको बेटा, नवम राशि है, नवम नवमांश है राशि चक्र का, नैसर्गिक राशि चक्र का जो धनु नवमांश है, ये धनु नवमांश में वाहनात उच्च क्रमात पतन, वाहन से या ऊंची जगह से ये गिरते रहता है, ऐसा उसका अर्थ है। अब क्या गिरा हुआ गिरा ही रहेगा, इसको हमें सोचना है। अच्छा ये वाहन क्यों लिया, तो धनु राशि का जो हमारा प्रतीक है वो घोड़ा है, और उस जमाने में घुड़सवारी लोग करते थे, घोड़ा कई बार गिरा भी देता है ना, तो घोड़े पे जाने की वजह से आप ऊपर हो जाते हैं, जैसा आरूढ़ लग्न में आप उस पर चढ़ जाते हो वो गिरा भी सकता है। तो यहाँ पर भी वही है कि या तो उससे उसको लाभ होगा, पर इसका दूसरा भी अर्थ है, ये क्रमात पतन हम बोलता है, ये ऐसा नहीं बोलता है एक बार गिरेगा बस हो गया इसका काम, इसका मतलब ये फिर से ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो कई बार ऐसे लोगों को जीवन में ऊंचाई नीचाई का सामना करना पड़ता है, सहसा वो गिरने के बाद हतबल न होते हुए उसको फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। धनु लग्न धनु राशि के आपके पहचान के होंगे तो थोड़ा सा देख लेना, वो कई बार बच्चे रहते हैं ना वो खिड़की विड़की में बैठ के गिर भी जाते हैं, तो खासकर धनु लग्न होंगे तो आपको बहुत बार दिखेगा ऐसा, इनकी आदतें रहती है, पर वो फिर भी चढ़ेंगे, दूसरा फिर से चढ़े नहीं बच्चा, है ना। तो देखो उन्होंने वो घोड़े का जो सिंबोलिज्म है उसका जो प्रतीक है उसने कितना खूबसूरत बहुत सुंदर, और उनको मालूम है कि ऐसा होता है, और जिसने वो देखा होगा वो लग्नों के लोगों देखोगे आपको जो जो उन्होंने बताया है चरात्म कारक का क्या है, क्योंकि लग्न को भी आत्मभाव का कारक समझा जाता है, लग्न भाव इटसेल्फ आत्म का कारक है ना, तो आपको वो दिखेगा। तो मेरी ऐसी दरखास्त है या अर्जी है विद्वान ज्योतिषों से कि ये अपने पास जब ऐसे राशि चक्र आते हैं तो इसको पूछने का प्रयास करें, और समझो हमारा गलत हुआ तो कोई हरकत नहीं, हम सीखे उसमें जी, है ना, और यदि सही निकला तो हम लोगों को बताएं ताकि बाकी ज्योतिष भी उसका लाभ उठा सके, है ना। ज्ञान ये बांटने से बढ़ता है घटता नहीं कभी। तो अब भाषण तो ज्यादा हो गया मेरा शायद, माफ करना, पर अब हम जाएंगे दसवें नवमांश की तरफ जो मकर नवमांश है, फिर से आपको वही दिखेगा। मकर नवमांश में क्या बोला है, जलचर खेचर खेट कंदु दुष्ट ग्रंथ यश्च रिश्वे, तो रिश्व का मतलब तो कटपयादि से दस होता है, इसका मतलब दसवीं राशि दसवां नवमांश खासकर, पर दसवां नवमांश है ना, दसवां नवमांश नहीं, ये नैसर्गिक कुंडली का दसवां नवमांश है ना मकर नवमांश जी, नहीं तो कोई हाँ सोचेगा कि भाई मेरे तो पहले ही इसमें आ गया मकर राशि होगा उसका तो नैसर्गिक है और पहली डिग्री में जन्म होगा तो वो तो मकर नवमांश में है, उसका कोई संबंध नहीं यहाँ पे। तो जलचर जल में जाने वाली वस्तुएं, जल से चलने वाली वस्तुएं, इसमें नौकाएं भी आ सकती है। खेचर, खेचर का मतलब पक्षी, खे हम आकाश को बोलते हैं इसलिए खं खल को काय नमः हमारा सूर्य का मंत्र है, आप तो मंत्र शास्त्र की ज्ञाता है आपको मालूम है, और सूर्य को भी पक्षी कहा गया है जी, क्योंकि सूर्य भी हमें आकाश से उड़ता हुआ दिखता है जी। तो सूर्य का पक्षियों पर अधिकार है। खेट, खेट का मतलब ग्रह, हम बोलते हैं ग्रह बाधा की वजह से तकलीफ होना ये उनको हो सकती है। कंडू फिर यहाँ आता है ना,
स्किन डिजीज, उसको खुजली उजली का प्रॉब्लम रह सकता है। दुष्ट ग्रंथ है। अब ये ग्रंथि का मतलब तो ऐसा तो हम जिसको ट्यूमर वगैरह बोलते हैं वो होता है, या ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, जैसा कि हमारे मधुमेह के वक्त पैंक्रियाज रहती है या इनको भी, परंतु ग्रंथि का एक मतलब जोड़ भी रहता है, यानी घुटने हैं हमारे हाथ के जोड़ है, इनको भी ग्रंथि कहा जाता है, इसे न भूलिए। तो इसकी इन्हें तकलीफ हो सकती है, बशर्ते उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो। ये जो आगे का है पाप ग्रहों का, ये मेरा मानना है। शुभ ग्रहों का होगा तो इसी से फायदा होगा, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो जाएगा। वो जहाज से जल से जो भी आता है, जल जल में चलने वालों में मछलियां भी आती है, प्रवाल भी आता है, जल में जीवित वस्तुओं में मोती भी रहते हैं, इसे न भूलिए, इससे उसको लाभ भी हो सकता है, है ना। तो इस ढंग से हम यदि सोचेंगे तो मेरे ख्याल से हम जो ऋषि का जो उनका उद्देश्य था ये सूत्र बताने का, वो कुछ प्रमाण में हम सफल होने में मददगार हो सकते हैं। हम देखते हैं कि देखो हमने मकर नवमांश में चरात्मकारक होने के बाद क्या होता है, इसका समझने की कोशिश की इसे। अब आता है ग्यारहवां नवमांश, मतलब कुंभ नवमांश। कुंभ नवमांश में यदि चरात्मकारक स्थित हो तो उन्होंने कहा है तड़ागा आदाय धर्म, धर्म का कटपयादि का अर्थ तो बारह होता है, पर हमें ये भी मालूम है कि नवम भाव में यदि शुभ ग्रह वगैरह रहे तो आदमी धर्म का काम करता है, उसे नवम भाव को धर्म बोलते। देखो सूत्र बनाने में उसको कितने खूबसूरती से बनाया है, कितना सोचना, ये धर्म की जगह वो और भी कुछ लिख सकते थे, है ना, क्योंकि कटपयादि में तो आपको वो उल्टा करना है, उसको डिवाइड कर देना है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसके बहुत सारे अर्थ भी है, आए हुए अनेक अर्थ है। तड़ाग आदयो, तड़ाग का मतलब तालाब, सर सरोवर, कुएं कूप जिसको बोलते हैं, या पानी जिससे लोगों को मिले, ऐसी जो भी चीजें हैं ये लोगों को उपलब्ध करा देना, ये धर्म का काम माना जाता है। और देखो राशि है कुंभ, नवमांश है कुंभ, कुंभ में पानी ही घड़े में लेके, पीने का पानी लेके जा रहा है वो इंसान, हाँ वो गिर रहा है वो अलग बात है, क्योंकि वो कुंभ लग्न वाला है तो वो दार्शनिक स्वभाव के रहते तो उनको मालूम नहीं पीछे क्या हो रहा है, परंतु ये तीनों को इसका अर्थ कितना खूबसूरती से निकाला है कि यदि चरा आत्मकारक उस नवमांश में है तो इस प्रवृत्ति पे उसका प्रभाव रहेगा जी। तो ये प्रवृत्ति क्या है, तो ये तो भाई पानी का, पीने का पानी ले जाने की प्रवृत्ति है। तो ये जो जो जातक है ये हो सकता है कि ऐसा धर्म का काम करे जिसमें पानी का हम क्या बोलते हैं उसको, पानी जिसमें हम संकलित करते हैं ऐसे तैयार करे, वो घड़ा भी हो सकता है, उसके आर्थिक क्षमता के हिसाब से वो करेगा। कोई लोग प्याऊ लगाते हैं गर्मी के दिनों में, है ना, ये सब इसी में है। अब यहाँ तो इसको अच्छा बताया गया, अब ये क्या कर रहा है, बाकी तो बुरा है, तो यहाँ शायद यदि क्रूर ग्रह देखते हो तो हो सकता है कि ये कुआं खोदे उसको पानी ना लगे, या पाव फिसल के पानी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, ये हो सकता है, इसे न भूले। वरना हमें कुछ इसमें तो बहुत अच्छा दिया है तो लोग बोले कि अच्छा अच्छा इसका मतलब कुंभ नवमांश बहुत अच्छा नवमांश है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आपको वो उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जब हम सूत्र बनाते हैं तो बहुत कम शब्दों में काफी चीजें समझाने की रहती है, तो ये धर्म का काम करेगा सहसा यदि बशर्ते उसपे शुभ ग्रहों का प्रभाव रहे, हो सकता है गुरु के समान ग्रहों का प्रभाव रहे ऐसा कहने का अर्थ होगा, या वो इरिगेशन का इंजीनियर होगा। हाँ। या उससे इसलिए तकलीफ होगी कि ये इरिगेशन इंजीनियर ने कुछ क्या कहते हैं हम प्राइमरी कहते हैं उसको, तो ऐसा गड़बड़ की तो उससे उसको तकलीफ होगी, घोटाला करे पाप ग्रहों का। हाँ पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तो क्योंकि उसमें जरूरी नहीं कि आपको पानी में गिरना चाहिए, इसे भी ध्यान में रखिए, पानी से कुछ जल से संबंधित हो सकता है ऐसा कहने का उनका शायद तात्पर्य होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हम सर ये भी तो हो सकता है, मेरा बस आपसे ये पूछने का था कि सर यहाँ यदि हम देखते हैं कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर, पानी में गिर रहे हैं या बार बार कीचड़ में, तो उनको ये भी तो हम बोल सकते हैं एक रेमेडियल मेजर की तरह कि भाई आप प्याऊ लगा दीजिए, या आप तो आपका ये भाव सही, क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्म से ही तो भाग्य का रास्ता खुलता है। हाँ।
देखो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मुझे लोग नास्तिक समझते, मैं नास्तिक नहीं हूँ। मेरा ऐसा कहना है कि जब आपके कर्म से आसान होता है रास्ता, आप भगवान को क्यों तकलीफ देना चाहते हैं? वो तो बेचारा ऐसे ही परेशान है, करोड़ों लोग उसको मांगते रहते हैं, तो आप तो मत मांगो, आप अपना कर्म करो ढंग से तो उसमें से रास्ता निकल जाएगा। तो सही बात है कि या आप यदि कुछ डैम बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, प्रामाणिकता से बनाइए, तो आपकी काफी तकलीफें जो है उसको, क्योंकि आपका चर आत्म कारक पे अलग परिणाम हो जाएगा, शुभ परिणाम होने लगेगा। ये चर आत्म कारक आपके आत्मबल का संकेत है, आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको वो दर्शाता है। तो सर तो इसी उसे तरह सुधारना तो आप ही के हाथ में है ना। जिसका मुंह मेरे समान बदसूरत रहा तो वो थोड़ा सा वो पेंटिंग वेंटिंग करके फिर पिक्चर में जाता है कि नहीं, एकदम खूबसूरत हीरो बन के, तो ये तो आपके हाथ में है, जो भगवान ने दिया दिया, तो आप क्या करोगे? आपको उसको सुधारना चाहिए, तो आपका सर सही तो इसी तरह बोलिए। से यदि हम बोले कि मेष नवांश में यदि किसी का चर कारक सही नहीं कर रहा है तो आप बिल्लियों को कुछ अच्छा खिला दीजिए या आप बिल्लियों बोल के सकते हैं, हॉस्पिटल में दान कर दीजिए, बोल बहुत सकते कुछ हैं, इस तरह बोल से सकते हैं। मिलिट्री बिल्ली या द्वारा। बिल्ली के जो बड़े भाई हैं, शेर वगैरह, इनकी हिफाजत के लिए कुछ कार्य कीजिए, हाँ वाइल्ड लाइफ में कुछ दान कर दीजिए का। कोई दान कीजिए, उनको मदद कीजिए। हाँ दान दान तो करने को जरूरत नहीं, वो खुद स्वीकार कर लेंगे, परंतु हो सकता है कि उनको कुछ ईजा हो गई हो, कोई कोई उनको एक्सीडेंट हो गया हो। कई बार ऐसा हो जाता है, किसी को गोली लग गई है, खासकर शेरों को होता है, वो मूर्ख शिकारी जिनको शिकार नहीं करना था कहीं पे भी गोली मार देते हैं, हाँ तो इनको मदद करो, तो उससे आपके कुछ तो जो कर्म तकलीफें कम बनेगा। होने की संभावना अच्छी है। तो कुछ तो आपने आपका पुराना कर्जा चुका दिया, पिछले जन्म का लाया हुआ। सर यदि किसी को कुष्ठ रोग हुआ है और तृतीय मतलब मिथुन नवांश में है तो यदि आप कुष्ठ रोगियों को दान करेंगे वो वैसे भी वो जो वो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है, उसको दान करते रहता बेटा। नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह तो हम उसको नहीं ऊपर पर हम बोलेंगे कि तेरा स्थौल्य तो कम कर, हाँ वो तेरे हाथ में है, क्योंकि कंडू के साथ स्थौल्य चिपका हाँ लगा हुआ है, हाँ ते कम कर। हो सकता है कि उसके वजह से कोई प्रॉब्लम आपको आ रहे होंगे, हाँ या उसके लिए जो आप खाना खा रहे हो उसका परिणाम आपके त्वचा पे हो रहा होगा, हाँ है ना? तो तो शायद आपके खाने में कुछ गड़बड़ है, तो अब वो तो आयुर्वेद वाले बोलेंगे कि खाने की वजह से कुछ होता है कि नहीं। मुझे लगता है ऐसा होता है, कभी कभी कुछ खा लिए ना तो एकदम बदन पे रिएक्शन हो जाता है। हाँ होता है। तो इस ढंग से हमें हमारे बुद्धि का बराबर प्रयोग करके तर्क संगत रीति से, और उसी के कर्म से ही उसी को छुटकारा, ऐसा मैं आज भी मानता हूँ। कर्म के बगैर तो ठीक है, भगवान को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए, उसने तो लिख दिया है तुमने क्या करना है, तुमको उसमें से बाहर निकालने का रास्ता भी वो तुम्हारे ही बुद्धि में से देगा, बुद्धि में ही भगवान का वास है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर भगवान का जो क्या बोलते हैं, निरामय और निराकार जो स्वरूप है ना, वो आपके बुद्धि में स्थित है, और मन जो है वो गड़बड़ करते रहता है, तो बुद्धि की तरफ जा, तो वो वैसे मदद करेगा आप ही में से, और कहाँ से देगा? विवेक हाँ वो सभी में है, सब आप में भी है, तो अपने भगवान को पहचानो और अपना काम करो। तो अच्छा काम करो तो कम से कम पीड़ा हमारी कम नहीं हुई तो हमारा दुख तो कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि किसी के चेहरे पे आप हंसी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? तो उसी से आपका कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, मैं भी ये मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, जरूर मानता हूँ। तो अब हम जाएंगे आखिरी के, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, वैसा करने वाला जो है वो है मीन नवांश। वहां जब आत्म कारक स्थित होता है तो धर्म नित्यता कैवल्य, ये धर्म का पालन करेगा और कैवल्य को प्राप्त करेगा। कैवल्य का मतलब मोक्ष। तो मोक्ष के अनेक अर्थ रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप मरने के बाद में मोक्ष प्राप्त हो, आप इस जन्म में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आपके बंधन खत्म हो गए तो मोक्ष हो गया, है ना? तो बोलते हैं सहिष्ठे बंध मोक्ष यो हो, ऐसा चरात्म कारक के बारे में बोला है उन्होंने, कि यही जी बंधन भी देता है और ये भी मोक्ष देता है, और इसी चरात्म कारक की हम अभी बात कर रहे हैं, है ना? जी पहले हमने वो सूत्र पढ़ा है मेरे ख्याल से, यदि मुझे याद है बराबर, तो सहिष्ठे बंध मोक्ष यो हो, ऐसा कहते हैं। तो ये यदि ठीक है तो मोक्ष दे देता है। और ये 12वीं राशि है और 12वां नवमांश है। देखिए कई लोग ऐसा समझते हैं कि मीन राशि यदि 12वें में हो और उसमें केतु हो तो मोक्ष मिलता है, मेरा ऐसा मानना नहीं, वो केवल मीन राशि नहीं, उसके साथ वो मीन नवमांश होना चाहिए। और ऐसा
किसी विद्वान ने लिखा है, ये मुझे याद है, अब नाम आजकल जरा मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो परंतु इसको अर्थ है क्योंकि यहाँ तीन चीजें आई, केतु होना, वो बारहवें में होना, वहां मीन राशि भी, और वहां मीन नवमांशन भी हो, यानी वो आखिरी आखिरी का नवमांशन, मीन नवमांशन यदि होगा मीन राशि में तो वो आखिरी डिग्रीज है, जिसके बाद में आप या तो बंधन में पड़ोगे यानी फिर से जन्म लोगे, है ना, बारहवें के बाद में पहला आता है, या तो आप वहां से छूट जाओगे, तो ये उसके छूटने का दरवाजा है शायद, और उसी की तरफ यहाँ इशारा है। परंतु पापग्रह का प्रभाव होगा तो वो आप में संभावना होते हुए शायद आप ऐसा कुछ कर बैठोगे कि वो न प्राप्त करो जी। तो ऐसे लोगों को किसी चीज को बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, उसको उन्हें सीखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये बंधन यही है, बंधन तो मन का रहता है, धन को तो कोई बांध के रख सकता नहीं, आते हैं वो हमारे मर्जी से नहीं आते, जाते भी हम हमारे मर्जी से नहीं जाते। जी सर। उसके अंदर जो प्राण चलते रहता है शनि, और वो ये जीव जो गुरु है ना, जिसका ये नवमांश है, ये दोनों का संबंध जब तक है तब तक हम है, ये दोनों का संबंध विच्छेद हो गया तो हम है ही नहीं, तो वो ऐसा कर जाने दो, वो फिलोसफी में ज्यादा जाता नहीं हूँ, वो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो विद्वानों का क्षेत्र है। बहुत सुंदर, लेकिन सर हमने सीखा यहाँ आपसे कि नवांश कुंडली को देखकर वहां पर चर योग कार किस नवांश में, किस नवांश राशि में बैठा है, उसे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा, और एक तरह से हमें यह भी मालूम पड़ा कि अपने चर कारक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बलि बनाने के लिए हम क्या उपाय भी कर सकते हैं, उसमें वो उपाय भी छुपा हुआ। हाँ, इसीलिए बेटा जब वो इष्ट देवता देखा जाती है ना, चर नव चर आत्मकारक जिस नवांश में स्थित है उससे बारहवें राशि पे क्या, उसके बारहवें नवांश पे क्या हो रहा है उसे देखा जाता है जी, क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग वो बारवा ही है, वो उसका बाहर जाने का रास्ता है ना, तो दुखों में से भी बाहर निकालने का वही रास्ता है। बहुत सुंदर, ये तो ऐसा मुझे लगता है कि इसी वजह से आचार्यों ने ऐसा कहा है। अब हम अगले संभाषण जब हम कब करेंगे, मुझे और आपको दोनों को जब समय मिलेगा, आप तो बहुत व्यस्त रहती हैं, तो तब हम ये देखेंगे कि इस आत्मकारक के साथ दूसरे ग्रह आने के बाद क्या होता है। बहुत सुंदर सर, क्योंकि अभी तक हम केवल आत्मकारक की बात देख रहे हैं, और आत्मकारक किसी नवमांश में देख रहे हैं, और भी कुछ होता है, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप और हम सब साथ में ही सीख रहे हैं, मैं कोई आचार्य वगैरह नहीं हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ कि जो धीरे धीरे सीखते जाता हूँ। बहुत सुंदर, आप लोगों के वजह से मैं भी कुछ सीख पाता सर। बहुत सुंदर, इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और अब ये जो हमारे जैमिनी की जो जर्नी है, जो हम सर के साथ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो यहाँ से बहुत सुंदर होती जा रही है, क्योंकि हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो इसमें हमने देखा आत्मकारक नवांश में कौन से नवांश में है ये देखना, और इससे ये पता करना कि हमारा आत्मकारक बलि है या निर्बल है, यदि निर्बल है तो उसको किस तरह से, किन उपायों से हम बलि कर सकते हैं, ये भी हमें जानने को मिला। अगली बार हम और भी कुछ लेकर आएंगे, तब तक के लिए सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए सर, बहुत बहुत।